भैया कितना है जाने के घोड़े में? पालकी कितना भैया, पालकी कितना लेते हैं आप लोग? जो कोई दिक्कत ना हो इसलिए जगह जगह पर आपको ये ट्रॉली वाला बच्चों के लिए ले जाने के लिए ये सब मिलेंगे। ध्यान रखना हाँ, जब तक दर्शन में होगी जब तक संभाल के रखना पर्ची और चाहिए ना, ये पर्ची होगी तो दर्शन हो। और ब्लू कलर कितना वाला? ये वाला 50 का। ओके, का जो एंट्री है सुबह का एंट्री का नजारा, ऑटो इस तरफ से आते हैं, हम लोग इस तरफ से आए थे, वो रहा एंट्री गेट, वहाँ पे पर्चे दिखाना है, अभी वहाँ पे पर्चे दिखाना है, पर्चे दिखा के आगे निकलना है। वो सबको जय माता दी, गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह जय माता दी, वैष्णव देवी से सबको स्वागत करता हूँ, सबको गुड मॉर्निंग कात्रा से, फ्रॉम कात्रा गुड मॉर्निंग फ्रॉम कात्रा। तो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम लोग अभी हैं कात्रा में, तो कात्रा से अब आगे निकलेंगे, आगे निकलना है हमें, अभी एंट्री पास के सामने है, तो होटल से हम लोग यहाँ तक ऑटो से आए, अभी आगे निकलेंगे। क्या क्या है, कैसा है, जानकारी, पूरा जानकारी और डिटेल्स वीडियो आपको दूंगा, कहाँ कहाँ। अभी यहाँ पर रेनकोट मिल रहा है, बारिश का मौसम है अभी, तो जुलाई का महीना और बारिश का मौसम, अभी देखते हैं आगे। यहाँ पर यात्रा पर्ची का वो जो स्टाम्प लगा देते हैं, और यहाँ से ये जो है ना, अभी सुबह का टाइम कोई नहीं है, तो जय माता दी। अब यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे, इसे होते हुए निकलेंगे, लिखा हुआ है पुरुष सामान सहित, लेडीज इधर है, लेकिन अभी खाली है, तो हम लोग इधर से ऐसा देखिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं, जो चेकिंग था वो चेकिंग हो चुका है, अभी इधर से सीधा हम लोग आगे निकलेंगे। सुबह का टाइम है, सुबह 5 होने वाला है, तो सुबह 5 बजे निकल रहे हैं, तो आगे देखते हैं। अभी एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पर सामान स्कैनिंग होगी, यहाँ पर सामान स्कैनिंग होके ही तब यात्रा पर्ची दिखाने के बाद यहाँ पर सामान को स्कैनिंग किया जाएगा। स्कैनिंग करने के बाद हम लोग सीधा अभी इसी रास्ते होके आगे निकलेंगे। यात्रा का सुबह का नजारा, छात्री है, ठीक है, थैंक यू। जय माता दी। आप लोगों को घोड़े खच्चर पालकी सब मिलेगा, छोटा वाला कितने का है पूछते हैं, घोड़े खच्चर यहाँ पे दिख रहा है ना, अब रेट पूछ लेते हैं इसको। भैया कितना है घोड़े में जाने? भैया कितना है जाने के घोड़े में? 1200 रुपया एक साइड ना, 1200 आना जाना, वन साइड का 1250, एक साइड का 1250। ये रोड है, बारिश का मौसम है, देखो रोड कैसा हो रहा है अभी यहाँ तक। अच्छा एक साइड का कितना है? एक साइड का 1250, घोड़े का एक साइड का 1250 लगेगा आपको, देख सकते हो ऐसे जाएंगे लोग, ऐसे जाएंगे लोग यहाँ जा रहे। यहाँ पर लट्ठी मिलेगा, ये लट्ठी ले सकते हैं 20 रुपया में। बाणगंगा वाला, यहाँ पर बाणगंगा जहाँ पर हनुमान जी का कहावत है ना, यहाँ पर अभी हम लोग नहा के तो आए हैं, थोड़ा बहुत पानी ले लेते हैं, एकदम होशियारी से उतरना होगा आपको। तो ये बाणगंगा का अभी का हाल देख ही सकते हो, यहाँ पर लोग नहाते हैं। हम लोग फाइनली बाणगंगा पहुंच चुके हैं, पीछे रहा बाणगंगा जहाँ हमने पानी छिटक ले लिया, नहाना कोई नहीं, सुबह का टाइम था, तो नजारा आपको कैसा दिख रहा है पता नहीं, अभी यहाँ पर है आगे जाना है, 1-2 किलोमीटर चलने के बाद ही बाणगंगा मिलेगा आपको, जहाँ पानी नहाना है या पानी छिड़कना है आपकी मर्जी,
तो बाणगंगा में आपको क्या दिखा है, बाणगंगा में साबुन तेल और कपड़े धोना वर्जित है, यहाँ पर साबुन का यूज ना करें। आप लोग आए तो नहाना भी है, तो इस बाणगंगा में आपको साबुन यूज नहीं करना है, कपड़े नहीं धोना है, तेल का यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपको शौचालय मिलेगा, कपड़े चेंज करने की जगह मिलेगी, आप लोग कर सकते हैं, बहुत बढ़िया जगह है। आप लोग हमने तो भगवान पवित्र बाणगंगा का और पानी छिड़का, इसे देखिए कैसे जाते हैं लोग, नहाते नहीं आजकल, पानी कम हो चुका है। आगे हनुमान जी को माता ने पानी पिलाया था। जाते वक्त आपको काफी सारे स्टूडियो मिलेंगे फोटो का, जहाँ पर अंदर का नजारा मिलेगा, फोटो उठा सकते हैं यहाँ पर। आप देखिए ऐसा स्टूडियो, ऐसे स्टूडियो काफी सारे मिलेंगे आपके रास्ता में। यहाँ पर टी ब्रेक छोटा सा है, टी लेंगे तो जाएंगे, चाय पीना है, चाय पीने के बाद थोड़ा एनर्जी आता रहेगा और चलते रहेंगे। आप लोगों को पालकी का भी सहारा मिल सकता है। पालकी कितना भैया, पालकी कितना लेते हैं आप लोग? 6300 आना जाना, 6300 में आना जाना होता है इस पालकी में। मैडम जी जय माता दी, जय माता, कैसा लग रहा है? यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जगह जगह पर आपको ये ट्रॉली वाला बच्चों के लिए ले जाने के लिए ये सब मिलेंगे, काफी जगह पर देखने को मिलेंगे, बच्चे आ सकते हैं जा सकते हैं, और किसी को परेशानी हुई तो बैग भी ले सकते। कितना लेते हैं भाई ये वाला में? कितने? ऊपर तक इसमें जाने के लिए, आपको बच्चे को ले जाने के लिए ना 600, बैग भी ले सकते हैं ना, एक बच्चा एक बैग और एक बच्चा ले जा सकते हैं 600 रुपया में। पालकी वाले देखिएगा, इस पालकी वाले भैया ऐसा होता है, पालकी मिलता है आपको, चार जने सफारी कराते हैं, ये देखिए चार जने आपको सफारी करेंगे 6000 रुपये में आना जाना। बता दूं सबको, जगह जगह यहाँ पर ऐसे ये ठंडा पानी एरो वाला जो लगा होता है ना, ऐसे पानी पीने के लिए बहुत जगह जगह मिलेंगे आपको, कोई परेशानी वाली बात नहीं। घोड़े मिलेंगे, खच्चर मिलेंगे, पालकी मिलेंगी, और जगह जगह पानी पीने के लिए काफी स्टॉल है, काफी दुकान है, जो भी खाने के पीने के लिए सब पानी पीने के लिए मिले हैं। आगे चलते हैं, अभी हम लोग 3-4 किलोमीटर पहुँच चुके, तो आगे क्या क्या है दिखाएंगे जरूर। देखिए मुझे देखने को मिला श्री माता वैष्णव देवी स्थापन बोर्ड, यह आवश्यक सूचना, पवित्र गुफा के अंदर माँ भगवती के दर्शन प्राकृतिक पिंडी के स्वरूप में है, किसी मूर्ति या फोटो के स्वरूप में नहीं है, दर्शन करते समय केवल प्राकृतिक पिंडियों की और ही ध्यान, बाकी और की नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर आवश्यक सूचना लिखा हुआ है, इस सूचना को ध्यान देते हुए हम लोग दर्शन करना पड़ेगा आप लोगों को भी। काफी बैठने की जगह और काफी पानी, आज बारिश देख ही सकते हैं मौसम कैसा है, थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा बारिश बूंद बूंद निकल रहा है, तो जुलाई का महीना है ना, इसीलिए आप लोग जुलाई में आने के लिए सोच रहे हो, अगस्त में आने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोगों को फाइनली बता दो आपको, जो अभी अभी दिखाया था ना, अभी जो आदमी से बात कर रहा था मैं, उस आदमी ने हमको पूछा भैया लोग प्लीज हेल्प कीजिए बोल के, ऐसे लोग भी होते हैं जो ठगार होते हैं, बोल क्या बोलते हैं, चिट करते हैं, उसको उसने मेरे को बोला भैया हम लोग जाने के लिए वो पैसा चाहिए कुछ ऐसा बोला, तब मैंने कैमरा निकाला तो वीडियो करने के लिए, उसने बोला भैया यहाँ से कितना दूर है आता कौन, यहाँ से कितना दूर है कतरा, ऐसा पूछने लगा, तो कैमरा में बंद कर दिया, दूसरा बोल रहा कैमरा जब तक नहीं दिखाया तब तक क्या बोल रहा था, वो पैसा बोल रहा था कहीं पे जाने के लिए, ऐसे से बचे, फ्रॉड से बचना है आपको, ठीक है। अभी अर्धकुमारी का रास्ता है ये चढ़ाई, आओ ऊपर, ये व्यू पॉइंट है, यहाँ व्यू पॉइंट से दिखा देते हैं गाइस। अभी हम लोग फाइनली अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं, ये देखिए वही तो अर्धकुमारी, इधर अर्धकुमारी, इधर बाईपास पॉइंट ट्रिक, इधर है ये रहा पुलिस चेकिंग पॉइंट, यहाँ पर चेकिंग पॉइंट है, और घोड़े में जितने लोग आते हैं ना यहाँ पे मैंने देखा आगे उतर देते हैं लोगों को, उतर के फिर वापस आना होता है, चलो अभी उठा देंगे यहाँ से, फिर इधर से अर्धकुमारी। बता दूं आपको, अभी मैं अर्धकुमारी में हूँ, हमको
करीबन 3 घंटा लगा चलने के लिए। 3 घंटा चलने के बाद हमें अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। मेरा अर्धकुमारी मंदिर वेटिंग काफी है, लेकिन हम लोग लिस्ट लेने के लिए सोच रहे थे, वेटिंग काफी बड़ा है, तो टाइम का देख के सर भगवान को प्रार्थना कर लिया अभी यहाँ पे नहीं, अभी सीधा ऊपर जाएंगे दर्शन करने के लिए। यहाँ पे काफी टाइम का वेटिंग है, तो अभी क्या करते हैं, नीचे से हम लोग आ गए ऊपर, तो अभी सीधा जाते हैं भवन तक। भवन का रास्ता ये अर्धकुमारी का मंदिर है, दिखा दो चारों साइड से 360 एंगल में आपको दिखा दो। यहाँ पर खड़ी है ये लोग, काफी लोग वेट, बारिश की वजह से काफी परेशानी झेलने को मिल रहा है। ये रहा भवन का रास्ता, अब इसी रास्ता होके हम लोग जाएंगे। ये रहा कुछ नजारा, आरती चल रहा है अभी मॉर्निंग का, अभी अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन तो हो पाएगा या नहीं पता नहीं, हम लोग अभी पर्ची लें या ना लें वही कंफ्यूज में है अभी। चलो आप लोग भी आए तो पर्ची पहले ही कराना है, पर्ची कराने के बाद 12 घंटा 14 घंटा वेटिंग करने के बाद ही आप लोगों को मिलेगा शायद। बता दूं ये भवन का रास्ता था, ये वाला रास्ता से मैंने वीडियो में देखा था, अब ये रास्ता बंद है, तो इधर से जाना पड़ेगा, अगर रास्ता बंद कर दिया, ताला लगा दिया है अंदर, तो ये रास्ता से नहीं होगा, ऊपर से चलेंगे। अब अर्धकुमारी मंदिर को यहीं से प्रणाम करते हुए हम लोग छतरी लेके आगे चलेंगे। ये रास्ता बंद है। यहाँ साइन बोर्ड की तरफ से आपको फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी अर्धकुमारी में, फ्री एकोमोडेशन, रेंटेड रूम, डोरमेट्री मिलेगा, भोजनालय मिलेगा, डिस्पेंसरी, इंक्वायरी, सब बैंक, एटीएम, फोन काउंटर, डोनेशन काउंटर, सब क्लॉक रूम सब मिलेगा यहाँ पर अर्धकुमारी में, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी अर्धकुमारी के ऊपर चल रहे हैं और रास्ता बंद, तो इसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं अभी तक। आप लोग भी, बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कत है, लेकिन जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। हम लोग काफी दूर आ पहुंचे हैं, देखिए ये रहा पहाड़, यहाँ ऊपर होगा मंदिर शायद। हम लोग ये नीचे से आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, काफी लोग हैं यहाँ पर। पूरा इस पहाड़ को चढ़ाई करना है, अभी इस पहाड़ के पीछे है मंदिर, चढ़ाई देखो तो कैसा चढ़ाई, मतलब मत पूछिए, पूरा सीधा सीधी चढ़ाई, सीधी चढ़ाई, सीधी, ये देखिए कैसी चढ़ाई होती है। अभी बारिश की वजह से काफी परेशानी होने को लगा लोगों को, बारिश है और बीच में रास्ता में ना घोड़े खच्चर की थोड़ी बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को, तो झलना होगा थोड़ी बहुत। टीन सेट काफी जगह है, टीन सेट काफी जगह नहीं है, बीच बीच में नहीं है, तो आपको छतरी रेनकोट को भी हो लेके आना है। लिया है लेने के लिए, इसका दो का कितना, दो पीस का 30 रुपीज यहाँ पे मिलेगा, फ्रूट्स 30 का मिलेगा एक बाटी, और फ्रूट्स देखिए यहाँ पर। अभी कितना आगे निकलना है, तो ये रहा फ्रूट्स खाते खाते जाएंगे, है कि नहीं, दो बनाना। अभी कोहरा ही कोहरा है, ऊपर देख सकते हैं कैसा धुंधला हो चुका है अभी यहाँ पर, पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। हम लोग पैदल चल रहे हैं, अभी काफी दूर होगा, कितना दूर है पता नहीं, लेकिन चल ही रहे हैं। बाहर का मौसम देख सकते हैं ऐसा है, तो काफी दूर आ चुके हैं। ये रहा एक व्यू पॉइंट, बंदरों को खाना है, खाने की वस्तु ना दें। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट है, यहाँ पर सीसी लग रहा है, टीवी लग रहा है, LED, यहाँ बता रहे हैं कुछ, इस तरफ से आए थे, ऊपर जाना होगा और कितना जाना है पता नहीं, जाते रहते हैं बस। आप लोग यात्रा करते हैं तो रुक रुक के आए, आराम से आए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी तक हमने 5 घंटा कवर कर लिया है, अभी देखते हैं कितना घंटा लगता है यहाँ से। तो ये रहा कुछ व्यू पॉइंट, अभी 3 किलोमीटर बचा है बस यहाँ से भवन तक, 3 किलोमीटर। ये जो पॉइंट था ना, व्यू पॉइंट दिखाया था अभी, ये व्यू पॉइंट से बस 3 किलोमीटर ही आगे है, तो चलता रहे ना। जय माता दी, शेरा वाले की जय हो। अभी पहुँचने वाले हैं, तो चट्टानों के बीचों बीच, चट्टानों का पार करके पीछे रास्ता बनाया हुआ है, अभी है तीन सेट है ऊपर,
जाते हैं और पहुंचने वाले हैं, काफी नजदीक हैं। अभी चलते रहते हैं, देखिए रोड दिखा देता हूँ, बस ये रोड दिखा दे, इधर इधर दिखाते हैं, ये रोड दिखा दे, बस किसका रोड है अंतिम जी, लास्ट में ऐसा रोड मिलेगा आप लोगों को, आप लोग फिर जाना है बस जाना है। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी अभी लॉकर रूम में जाना है, लॉकर तो लॉकर में जाते हैं, फ्री लॉकर है, आइए यहाँ से कुछ प्रसाद भी लेना है। कितने घंटे पैदल के बाद हम लोग लास्ट पहुंच गए हैं, अभी अभी आगे जाना है, वहाँ पे लॉकर में बैग रखना है, प्रसाद लेना है, प्रसाद लेके बैग लॉकर में बैग रख के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा का दर्शन होगा। इधर ये रास्ता जो होता है, इधर भैरव बाबा का दर्शन के लिए कुछ वो मिलता है, क्या बोलता है, और भैरव बाबा जाने के लिए टिकट मिलता है केबल कार का, तो बाद में देखेंगे, पहले दर्शन करने के बाद ही उधर जाएंगे। यहाँ जूता सैंडल के लिए भी जगह है, यहाँ पर लोग रख रहे हैं, यहाँ पर जूता सैंडल, हम लोग आगे देखते हैं कहाँ रख सकते हैं। अभी काफी मौसम खुल रहा है, बाहर देख सकते हैं, अभी मौसम थोड़ा बहुत खुल रहा है अभी यहाँ पर। वाह, ये रहा लॉकर नंबर 2 और 3, हम लोग इधर लॉकर में जाएंगे और सामान रखेंगे, आगे पूछताछ इंक्वायरी कुछ है सामान का, आगे जाएंगे, इधर से आ रहे थे हम लोग, अभी लॉकर रूम में जाएंगे और सामान रखेंगे। आपको सीधा आना है लॉकर रूम में, आना है डायरेक्ट, 9 गेट नंबर 2-3 लिखा हुआ है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, यहाँ सब लॉकर रूम ऐसे मिलेंगे आपको, आपको बस ताला खुद का लाना होता है, मैंने ताला लाया था, आपको भी खुद ताला लेके आना है और ताला चाबी की लॉकर, और लॉकर रूम मिलेगा ही, मैं 2-3 से मैं लॉकर लगाया था, तो ऐसे ही वहाँ पे चाबी भी मिलेगा, ताला चाबी, लेकिन कब खत्म हो जाता है पता नहीं, कोई खराब हो जाता है, देखने का पसंद नहीं, यही है लॉकर रूम का नजारा। तो अंदर तक दर्शन करने के लिए ऐसा लाइन में लगना पड़ता है, अभी दिखा दूं आप लोगों को, ये लाइन है अंदर तक जाएगा, ये लाइन 1 नंबर 2 नंबर लॉकर रूम के सामने है, यहाँ से लाइन लगी है, ऐसे अंदर अंदर से डालते, देखिए देखिए, और बता दूं आप लोगों को। तो अभी हम लोग रोप वे से भैरव बाबा का मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, रोप वे में टिकट मिलता है कि नहीं पता नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं इधर इस रास्ता से, माता का दर्शन हो गया, अर्चना दर्शन हो गया, अभी भैरव बाबा का दर्शन करना है तो टिकट ले लेते हैं, टिकट मिलता है कि नहीं आइए दिखाते हैं, काउंटर है, टिकट लेना पड़ता है, कितने का टिकट है बताएंगे, आइए। जय माता दी, रविशंकर जी अभी लेते आए थे, रविशंकर आवाज पर बोलते हो, तो अपनी मम्मी के भैरव बाबा जाने काउंटर की लाइन है, देखिए इतना ज्यादा नहीं है, आज कम ही है, तो हम लोग भी लाइन में लगने वाले हैं, ये रहा लाइन, भैरव बाबा के लिए निकल रहे हैं, तो मनोकामना भवन में, मनोकामना भवन से ही टिकट मिलता है भैरव बाबा जाने का रोप वे में, तो देखते हैं अभी टिकट कहाँ लाइन में है, तो लाइन में अभी लगने वाले हैं, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं टिकट, कितने का टिकट है बताएंगे। फाइनली हमको केबल कार के टिकट मिल गई, अभी जाना बाकी है, लाइन में है, फिर यहाँ से आकर स्टेशन में लाइन लगना पड़ता है, तो काफी सारे लाइन है, तो देखते हैं आगे, ऐसे लाइन 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 करके जाना पड़ता है, ऐसे तो टिकट मिल गया, 100 रुपए टिकट लेता है, एक इसी से चलता है, यही मशीन से चलता है केबल कार, वे टू केबिन एंट्री, केबिन प्रवेश के लिए रास्ता। आ रहा है केबल कार,
कितने लोग आते हैं, वाह 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 क्या बड़ा। भैरव बाबा मंदिर में इतना भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है आज, अब देखिए ना फॉग फॉग फॉग, तो क्या करेंगे। फाइनली भैरव बाबा का मंदिर का दर्शन हो गया है। भैरव बाबा मंदिर हम लोग केबल कार से आए थे, नीचे टिकट होता है 100 रुपया वाला टिकट, अभी दर्शन कर लिया, दर्शन करने में 2-3 मिनट लगते हैं हार्डली, तो अभी यहाँ से निकलेंगे जल्दी जल्दी। नीचे तो उनका बैटरी कार्ड का बुकिंग है, तो देखते हैं बैटरी कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आगे बता देंगे। तो गाइस फाइनली भैरव बाबा दर्शन करने के बाद हमको बैटरी कार मिल गया, टिकट पहले लिया था, अब अर्ध क्वार तक जाना बहुत आसान हो गया, लेकिन सांस में नहीं तो पैर का हालत बहुत बुरा हो जाता। अभी देखते हैं यहाँ तक हमारे तो 7 किलोमीटर करीबन, यहाँ 7 किलोमीटर हम लोग बैटरी कार में जाएंगे। बहुत बढ़िया है, 236 रुपये का टिकट मिला एक। बैटरी कार का कुछ काउंटर, यहाँ से हम लोग आगे से अर्ध कुमार यहाँ तक हमको बैटरी कार लेके आए, सब बैटरी कार ही है, ये सब यहाँ तक काउंटर ऐसा बनता है। अब यहाँ से आगे जाना है हमको अर्ध कुमारी में रहेंगे थोड़ा। वाओ, ये नीचे हमारे नीचे बादल और बादल के ऊपर है हम। ओ माय गॉड, हम लोग घर से बादल देखते थे ना, बहुत ऊपर ऊपर बादल देखते थे, आज बादल हमारे बादल नीचे है, आज हम बादल के ऊपर है। आज तो हम लोग ने अर्ध कुमारी तक कंप्लीट कर ली बैटरी कार में, लेकिन जाते वक्त हमने कोई लाठी नहीं लिया, बड़ी बात। अभी निकलते हैं, कहता था लाठी अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी, अभी खाना भी कुछ खाना है, भूख भी लग रहा है, नहीं खाए। आपको जानकारी कैसा लगा, आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें।